आज के टाइम पर जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती जा रही है, वो है रिलेशनशिप, वो है संबंध। अब वो संबंध चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो संबंध पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, पिता बेटे का हो, बेटी का हो, दोस्तों का हो, इवन एक देश का दूसरे देश से हो, संबंध हर जगह बेकार होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। इसलिए एक अलग ही लेवल की लोनलीनेस, एक अलग ही लेवल का अकेलापन लोगों के अंदर छाता जा रहा है। लोग अकेले होते जा रहे हैं। क्यों ये सारे के सारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं कि रिलेशनशिप क्यों एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, एक व्यक्ति, एक पर्सन, वो पर्सन अपनी दुनिया में जी रहा है, आप अपनी दुनिया में जी रहे हो। आपके कुछ बिलीव्स हैं, उसके कुछ बिलीव्स हैं, आपकी कुछ आइडियोलॉजीज हैं, उसकी कुछ आइडियोलॉजीज हैं। हम सब अपनी आइडियोलॉजी और अपनी दुनिया में इतने बिजी हैं कि हम सामने वाले पर्सन पर फोकस नहीं कर पा रहे, उससे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हम। कनेक्शन जो है वो तभी बनेगा जब हम पूरी तरह से फ्री हो और सामने वाला पर्सन भी पूरी तरह से फ्री हो। यहां पर एक ह्यूमन बीइंग, एक चीज, एक लिविंग चीज है। ह्यूमन एक लिविंग चीज है और वो लिविंग चीज डेली बदल रही है, डेली चेंज हो रही है, डेली उसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस लिविंग चीज को कुछ थ्योरी से, उसने क्या करा, वो कैसा है, शब्दों में, थ्योरीज में, कंसेप्ट में, धारणाओं में, बिलीव्स में, डॉगमाज में, इन सब में लेकर आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप कब स्ट्रांग बनेंगे, रिलेशनशिप कब सही रहेंगे, जब जो हमने चादर ओढ़ा हुआ है, जो हमने चादर ओढ़ा हुआ है बिलीफ का, जो हमने चादर ओढ़ा हुआ है बहुत सारे थ्योरीज का, कंसेप्ट का, शब्दों का, जब वो हम चादर वो खोल तोड़ेंगे, और जो सामने वाला है वो भी तब ये खोल तोड़ेगा, तब ये डिवीजन खत्म हो जाएगा और मुझ में और सामने वाले में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो मैं और सामने वाला एक ही हो गए। इस दौरान एक संबंध बनेगा हमारा, फिर हम एक दूसरे के साथ सही से और प्यार से रह पाएंगे। लेकिन मैं अपनी आइडियोलॉजी में व्यस्त हूँ, मैं अपनी थ्योरीज में, कंसेप्ट में व्यस्त हूँ, दूसरा अपनी थ्योरी कंसेप्ट में व्यस्त है, तो हम सब थ्योरी और कंसेप्ट से लड़ रहे हैं, रियल पर्सन को टच कर ही नहीं पा रहे हैं, हम रियलिटी को तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम देखते हैं दो देशों के बीच में संबंध खराब है। क्यों? एक देश का कुछ और बिलीफ है, दूसरे देश का कुछ और बिलीफ है। युद्ध हो रहे हैं, एक देश किसी और धर्म को मानता है, किसी और नेशनलिटी को मानता है, दूसरा देश किसी और धर्म और नेशनलिटी को मानता है, दोनों में युद्ध हो रहे हैं। युद्ध दो देशों के बीच नहीं हो रहे, दो बिलीफ्स, दो विश्वासों के बीच में हो रहे हैं, और इसकी वजह से विश्वास को तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन असली लोग मारे जा रहे हैं। तो एक्चुअल इस रिलेशनशिप, एक्चुअल संबंध स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने खोलों को तोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर जो हमने चादर समेटी हुई है बिलीफ्स की, डॉगमास की, अपने अंदर जो चादर समेटी हुई हमने अपने एक्सपीरियंस की, शब्दों की, वो सब खत्म करनी पड़ेगी ताकि हम बिल्कुल प्योर बन सकें और दुनिया को भी बिल्कुल प्योर तरीके से देख सके। लास्ट में एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए है, मेरा जो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम था जिसको मैंने 10,000 का किया था, अब वो 1,000 का हो गया है, और ये प्रोग्राम आपका जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। पहले 10 से 12 वीडियोस आपको मिलेगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके बाद डेली एक वीडियो मिलेगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें हम प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन करेंगे डेली। लाइफ टाइम तक आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।